हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका वाइकी टेक्स इंडिया यूट्यूब चैनल में। गाइस आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ज़्यादा बेटर कीबोर्ड लेके आया जो कि उर्दू कीबोर्ड है। इसमें गाइस ऑटोमेटिक उर्दू मतलब टाइप हो जाता है, जैसे कि आपने कुछ ही वर्ड मतलब टाइप किया इंग्लिश में तो इसमें ऑटोमेटिक जैसे आपने स्पेस दिया तो आपका ये उर्दू में हो जाएगा। काफ़ी अच्छा ये कीबोर्ड एंड इसमें गाइस ऑटो कैप्टन रहता है, स्मॉल होने का कोई चांस नहीं। आप एक फाइटर एंड उर्दू लैंग्वेज में फाइटिंग करना चाहते हो तो गाइस आपके लिए कीबोर्ड बहुत ज़्यादा बेटर होने वाला है। इसमें गाइस एक गजब की बात है जो कि ऑटोमेटिक इसमें जैसे उर्दू टाइप हो जाता है, जैसे कि गाइस आपको उर्दू नहीं आती है एंड इंग्लिश आती है, ठीक है, इंग्लिश आप टाइप करोगे तो ऑटोमेटिक इसमें उर्दू हो जाएगा। जैसे कि गाइस आपने मैथ ऑटोमेटिक कीबोर्ड यूज़ किया होगा, उसमें क्या होता था जैसे हमने कुछ लिखा, ठीक है, लिखने के बाद स्पेस दिया वैसे मैथ में कन्वर्ट हो जाता था। तो गाइस जिसमें भी ऐसा है, अगर आपने इंग्लिश वगैरह में कुछ टाइप किया, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस दिया तो उसके बाद ये उर्दू में मतलब हो जाएगा, जो भी आपने लिखा होगा उर्दू लैंग्वेज में ये कन्वर्ट हो जाएगा। गाइस अगर आप एक टेस्ट फाइटर लवर हो, ठीक है, एफबी पे फाइटिंग करते हो तो गाइस ये कीबोर्ड आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अगर आप उर्दू आपके लिए वेस्ट लैंग्वेज है तो तब तो गाइस आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, उसके साथ ही बेल आइकन को ऑल कर देना लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो गाइस मैं पहले इसका लाइव प्रूफ दिखाता हूँ, उसके बाद की सेटिंग क्या करनी है, क्या इसका नाम है, मैं वो भी गाइस आपको बताता हूँ। तो गाइस मैं सिंपली आ गया हूँ मैसेंजर में, यहाँ से मैं जो टाइप कर रहा हूँ, ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा कैसे ये ऑटोमेटिक जो मतलब उर्दू में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे गाइस देखिए ध्यान से, ये यहाँ पे उर्दू का ऑप्शन यहाँ पे लिखा है, उर्दू किस यहाँ पे मतलब बन के आ रहा साइट में, लोगों देख सकते हो आप। तो गाइस यहाँ पे अभी देखिए उर्दू में ये है, तो मैंने इस पर क्लिक किया, ठीक है, ये यहाँ से गाइस उर्दू कैंसिल हो गया, ठीक है, अब उर्दू ये होगा नहीं। फिर से मैं गाइस इसी पर क्लिक करूँगा तो हमारा ये क्या बोलते हैं जो भी मैं टाइप करूँगा ये उर्दू में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए गाइस मैंने ये लिखा, ठीक है, लिखने के बाद मैंने स्पेस दिया, अब हमारा देखिए साइड में जी उर्दू हो गया। देखिए ऑटोमेटिक मतलब इसमें उर्दू हो जाता है, काफ़ी अच्छा फीचर चाहिए इसमें दिया गया है। तो गाइस देखा आपने कि जैसे कि उर्दू इसमें कितनी अच्छे तरीके से ऑटोमेटिक उर्दू हो गया। अब गाइस मैं इसकी मतलब टाइपिंग वगैरह दिखाता हूँ कि कैसे मतलब फाइटिंग के लिए वर्क करेगा। तो गाइस आप देख रहे हो यहाँ ये उर्दू मतलब टाइप हो रहा है, जैसे कि मैं टाइप कुछ भी कर रहा हूँ, जैसे मैं किसी बंदे को गाली दे रहा हूँ, ठीक है, गाली लिखने के बाद यहाँ पे उर्दू ऑटोमेटिक उर्दू हो जा रहा है, काफ़ी अच्छा है। एंड गाइस इसमें ऑटो कैपिटल रहता है, स्मॉल होने का कुछ चांस नहीं। आप फाइटिंग के लिए तो कैपिटल ज़रूरी रहता है कीबोर्ड, कोई भी कीबोर्ड हो। हालांकि गाइस काफ़ी बेटरी कीबोर्ड है, काफ़ी अच्छा लगा इसलिए गाइस क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक जो कि उर्दू में कन्वर्ट हो जाता है। अब मैं गाइस इसकी इंग्लिश वगैरह टाइप करके दिखा दूँगी, जो आप अगर उर्दू टाइपिंग नहीं करना चाहते हो तब भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर कीबोर्ड है, क्योंकि यार काफ़ी फास्ट चलता है एंड इसमें ऑटो कैपिटल भी है। तो गाइस यहाँ पे आप देख रहे हो ये मैं इंग्लिश टाइपिंग कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छे तरीके से ये मतलब काफ़ी फास्ट मतलब ये टाइप हो रहा है, जो कि गाइस ये सिंपल कीबोर्ड है एंड इसमें आप उर्दू टाइपिंग कर सकते हो। एंड गाइस ये सिंपल कीबोर्ड जो कि ऑटो कैपिटल रहता है, फाइटिंग के लिए काफ़ी परफेक्ट ही कीबोर्ड है। वैसे आप समझ ही गए होंगे कि ये मतलब कैसी टाइपिंग करता है, इसका लाइव प्रूफ तो आपको दिखा दिया मैंने। अब मैं गाइस इसकी सेटिंग बताता हूँ, क्या इसकी सेटिंग आपको करनी है। गाइस इस कीबोर्ड का नाम उर्दू किस, ये देखिए रहा यहाँ पे उर्दू किस इस कीबोर्ड का नाम है, तो मैंने इसको ऑलरेडी मतलब डाउनलोड करके रख लिया, यहाँ ये प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा, वहाँ पर ये अवेलेबल है। तो गाइस आप इसको इनेबल वगैरह सेटअप कर लोगे, उसके बाद इस टाइप का इंटरफेस गाइस आएगा। अब गाइस आपको करना कि सेटिंग का जो ऑप्शन दिख रहा है आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पर चले जाना है। अब गाइस इस वाले ऑप्शन पे आपको जाना है, जाने के बाद गाइस यहाँ पे देखिए ऑटो कैपिटलाइजेशन इसको आप इनेबल कर देना, उसके बाद वाइब्रेशन वगैरह इसको मतलब अब डिसेबल रखना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। पर रोज जो होता है गाइस यहाँ पे इसको चाहे आप इनेबल करना चाहें तो कर सकते हो, नहीं तो आप रहने देना, ज़्यादा इसकी सेटिंग गाइस कुछ है नहीं। उसके बाद इस वाले सेकेंड वाले ऑप्शन में आपको आ जाना है, आने के बाद यहाँ पर देखिए ये थीम्स का जो ऑप्शन दिख रहा है आपको इस पर चले जाना है। जाने के बाद यहाँ पर कुछ थीम्स वगैरह दी गई, यहाँ से आप सेलेक्ट करा सकते हो। यहाँ पे देखिए मटेरियल लाइट हो गई थीम, ठीक है, दूसरा हो गया मटेरियल डार्क हो गई, तीसरी है हेलो वाइट हो गई, ठीक है, हेलो ब्लू हो गई, एक लॉस लाइट हो गई, ठीक है, जो भी आपको चाहिए, जैसे कि मुझे ब्लू चाहिए मैंने ब्लू को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये तो गाइस हमारी बात होगी थीम की। अब यहाँ पर देखिए इसकी ये तो ऑलरेडी आपको इनेबल मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए की हाइट आपको कम देखने को वहाँ पर मिलेगी कम। अब यहाँ पर आप सेटअप कर लेना, फिलहाल जितना मैंने रखा है जितना आप रख लेना तो आप ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो आपकी जो पसंद है मतलब जितना आप रखना चाहो कि हाइट उतना आप रख सकते हो गाइस। अब गाइस आपको क्या करना है, ये कि केज का साइज का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आपको आ जाना है। यहाँ पे देखिए गाइस
जो टेस्ट का वहाँ पे साइज है जितना रखना चाहो उतना आप रख लेना, मैंने डिफ़ॉल्ट करके रखा है, तो आप भी गाइस डिफ़ॉल्ट कर लेना या तो आपकी मर्ज़ी जितना आप रखना चाहो, ठीक है। उसके बाद टेस्ट कोरेशन का जो यहाँ पे ऑप्शन मिला है यहाँ पे आपको आ जाना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ मतलब ऑटो कोरेशन जी यहाँ पे है, इसको क्लोज कर देना, इनेबल आपको मिलेगा तो गाइस, ठीक है। उसके बाद ये सारे इनेबल आपको मिलेंगे देखने को, इसकी जिसे डिसेबल करना चाहो तो कर सकते हो, फिलहाल इसको इनेबल ही रखे देना गाइस, क्योंकि तभी ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद ये गाइस देखिए एडवांस का जो ऑप्शन दिख रहा है आपको इस पर चले जाना है, जाने के बाद यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको सेटिंग वगैरह कुछ छेड़ना नहीं है गाइस। तो गाइस आपने सेटिंग वगैरह इसकी देखी ली क्या, इसकी सेटिंग थी ज़्यादा कुछ सेटिंग इसमें थी नहीं, बस सिंपल ही सेटिंग इसकी थी। देखिए मैंने वहाँ पे ब्लू सेलेक्ट कराया था, तो इस टाइप का हमारा जो कि कीबोर्ड हो गया देखिए। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, अभी तक आपने वाइकी ट्रिक्स इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, उसके साथ ही बेल आइकन को ऑल करना लेटेस्ट अपडेट के लिए।